Dear students, today we have to read electric power. Electric power in series and parallel combination of bulbs. Jadi onek gudiye bulb series re connection kariba aw parallel re connection kariba tebe से टोटल कनेक्शन रो नेट पावर टाके बाहर करियो। फॉर दिस लेट अस कंसीडर थ्री इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ पावर्स P1, P2 एंड P3 एंड ऑल आर कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ EMF दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। बट एज वी नो इलेक्ट्रिक पावर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। नाउ द पावर ऑफ द बल्ब्स आर गिवेन बाय P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वन, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टू एंड P3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर थ्री, वेयर आर वन, आर टू एंड आर थ्री आर द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब्स। Now we have to find out the net power if all are connected in series. You see, these are three bulbs having resistance of bulbs are R1, R2 and R3, and they are connected with a source of EMF E. Source of EMF E. This is positive terminal and this is negative terminal. The charge is flow from positive to negative, so the direction of current is like this. In case of series combination, the three resistance are connected in the following manner. A type connection korabo. Now from the diagram, the net resistance is given by R is equal to R1 plus R2 plus R3. Now the net power consumed in series combination of the circuit is given by PS. PS means net power in series. PS is equal to V square by RS like periya, as per this formula. Power is equal to potential square divided by resistance is equal to V square by series connection re RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So RS बदल रहा पकाओ R1 plus R2 plus R3 और implies 1 by PS is equal to R1 plus R2 plus R3 divided by V square करी परी is equal to R1 by V square प्लस आर टू बाई भि स्क्वायर प्लस आर थ्री बाई भि स्क्वायर और इम्प्लाइज 1 बाई पी एस इज इक्वल टू 1 बाई पी 1 प्लस 1 बाई पी 2 प्लस 1 बाई पी 3। दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ नेट पावर इज इक्वल टू the algebraic sum of the reciprocals of the individual powers consumed by them. बुझिपारल एटा किमती आसला 1 by PS equal to H we know P is equal to V square by R implies 1 by P is equal to R by V square. This is the required formula. Now if n bulbs are connected with same power P, then we can write 1 by PS is equal to 1 by P plus 1 by P plus dot dot plus n times, or implies we can write 1 by PS is equal to 1 by P whole into n is equal to we can write n by P.
और इम्प्लाइज पी एस इज इक्वल टू पी बाई एन. एज द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करेंट आई थ्रो इच बल्ब इज द सेम. जदि सीरीज रे कनेक्शन करवा सब आगे सामान अनुपात में करेन्ट जीव. नाउ द करेन्ट इन द सर्किट इज गिवेन बाय आई इज इक्वल टू भी बाय आर. भी की भी डिवाइड बाय आर मीन्स आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. नाउ द पावर ऑफ द बल्ब्स आर गिवेन बाय पी वन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन, पी टू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू एंड पी थ्री इज इक्वल टू एंड पी थ्री इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर थ्री. दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. दस द बल्ब्स ऑफ लोएस्ट वाटेज पावर विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस. जार पावर कम अच्छी तार रेजिस्टेंस पावर अधिक थी. जार पावर अधिक अच्छी तार रेजिस्टेंस पावर कौन थी कम थी. नाउ वी हैव टू रीड व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये तीन टा रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन कले पैरेलल कनेक्शन बर्तन करिया. वन इज आर वन एनदर इज आर टू एंड एनदर इज आर थ्री नहीं कनेक्शन करिया. यु सी दिस इज आर वन आर टू एंड आर थ्री एंड द टर्मिनल्स ऑफ जंक्शंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ. करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. इन दिस केस करंट आई इज डिविजिबल इन टू थ्री पार्ट्स दैट इज आई वन आई टू आई थ्री अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ. फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ से कौन लिखुच टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एंड वी गेट सेम अमाउंट ऑफ करंट आई ऑन द अदर टर्मिनल. नाउ फ्रॉम द डायग्राम द नेट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री. नाउ पावर पी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज गिवन बाय पावर नेट पावर इन पैरेलल पी पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रख वन बाय आर पी उधर पकाओ वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री. और इम्प्लाइज पी पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर वन प्लस बी स्क्वायर बाय आर टू प्लस बी स्क्वायर बाय आर थ्री. और इम्प्लाइज नेट पावर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री. दस द नेट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स कंज्यूम्ड बाय ईच एंड एवरी बल्ब्स. सिमिलरली इफ एन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पी पी इज इक्वल टू पी प्लस डॉट डॉट एन टाइम्स. और इम्प्लाइज पी पी इज इक्वल टू एन इंटू पी. एज द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द अमाउंट ऑफ करंट आई इज इन डिफरेंट फॉर ईच बल्ब. नाउ करंट आई वन इज इक्वल टू हाउ मच. करंट आई वन इज इक्वल टू भी बाय आर वन. आई टू इज इक्वल टू भी बाय आर टू. आई थ्री इज इक्वल टू भी बाय आर थ्री वेयर आर वन आर टू आर थ्री आर डिफरेंट रेजिस्टेंस. नाउ द पावर ऑफ द बल्ब इज गिवन बाय पी वन इज इक्वल टू हाउ मच बी स्क्वायर बाय आर वन. पी टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर टू. पी डॉट 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 पी थ्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर थ्री. दैट इज आर इज इनवर्सली पी. ओके नाउ वी हैव टू रीड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The process of heating of a conductor when electric current pass through the conductor is known as heating effect of current conductor. गोटे conductor अच्छे आपको जब आई amount of current दबा after some time the conductor becomes heated गरम हो जीव. ये प्रक्रिया टा कहा जाए heating effect of current. For example electric lamp, electric heater, geyser, immersion rod, these are the good examples of heating effect of current. Then we go
Joule's law. It states that the quantity of heat developed is directly proportional to the work done. जत्तिकी अनुपात रे में हीट दबा सत्तिकी अनुपात रे इलेक्ट्रॉन गुड़ी को फ्लो होवे इलेक्ट्रॉन जदी मोशन रे जाउची देयर मस्ट बी ए वर्क डन सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सॉरी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू और इंप्लाइज वी कैन राइट एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जे वेयर 1 बाय जे इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड व्हिच इज कॉल्ड एज जूल्स कांस्टेंट इफ एज यू नो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू VQ is equal to VIT is equal to I square RT is equal to B square T by R. Thus, heat may be written as H is equal to VQ by J. Divided by J. Now W by J is known as heat. So H is equal to VQ by J is equal to VIT by J is equal to I square RT by J is equal to B square T by RJ. दीज आर द डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हीट आपको नहीं तीन ला है जो कह जाए फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ करंट सेकेंड लॉ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस थर्ड लॉ लॉ ऑफ टाइम कौन एगुड़ाक देख इ इक्वेशन रे पिले आम कौन पाइले एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय जे or we can write implies H is directly proportional to I square RT where 1 by J is the proportionality constant. Here, current saito heat eta directly proportional to the square of current, resistance ta directly proportional to the resistance, time ta directly proportional to the time. So law of current kono kaha kua jai? The amount of heat generated in a conductor varies directly proportional to the square of the current when the resistance of the conductor and time of flow of current through R kept constant. तरह R टा constant, T टा जदि constant जदि हमें नबा तबे H is directly proportional to I square. This is law of current. Law of resistance कौन? The quantity of heat is directly proportional to the resistance when both the current and time are taken as constant. Similarly, H is directly proportional to T when both the current flowing through the conductor and the resistance of the conductor are kept constant. This is all about the Joule's law. Next class we have to read about the carbon resistor.